नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवारी आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्मवैवत पुराण के कृष्ण जन्मखंड के विषय में बताऊंगा। कृष्ण जन्मखंड पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको ब्रह्मखंड, प्रकृतिखंड और गणपतिखंड के विषय में बताया। आज मैं कृष्ण जन्मखंड के विषय में बात करूँगा और इसके हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। इसका इंडेक्स दिखा के आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या वर्णन हमको मिलता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित कई ऐसे रहस्य हैं जो इस ब्रह्मवैवत पुराण में मौजूद हैं, जिनके आधार पर कई सीरियल्स बने। चलिए शुरू करते हैं कृष्ण जन्मखंड के विषय में। दोस्तों, कृष्ण जन्मखंड जो है करीबन दो भागों में विभक्त किया गया है, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में लगभग 54 अध्याय हैं और उत्तरार्ध में आपके 55 से लेकर के 133 अध्याय हैं। इसके अंतर्गत पूरा अपना कृष्ण जन्मखंड यानी ब्रह्मवैवत पुराण का कृष्ण जन्मखंड समाप्त होता है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा चर्चा ना करते हुए इसके इंडेक्स पर जाते हैं और इंडेक्स में मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते जाऊँगा कि इस ब्रह्मवैवत पुराण में आखिर भगवान श्री कृष्ण और राधा के विषय में क्या ऐसे वर्णन हैं जो बहुत ही रहस्यात्मक हैं। चलिए इंडेक्स पर देखिए। जैसा कि इंडेक्स पर लिखा हुआ है, देखिए पूर्वार्ध के अंतर्गत पहला अध्याय, पहले अध्याय में आपके नारद जी का नारायण से कृष्ण जन्म संबंध में प्रश्न करना और भगवान विष्णु के वैष्णव गुणों की प्रशंसा करना, इस तरह का वर्णन पहले अध्याय में मिलता है। दूसरे अध्याय में देखेंगे आप दोस्तों, दूसरे और तीसरे अध्याय में लगभग ये राधा का श्री दामा को परस्पर श्राप देना, इसके विषय में वर्णन मिलता है कि श्री दामा को कैसे श्राप दिया, श्री दामा ने कैसे राधा को श्राप दिया, इस चीज़ का वर्णन इसमें मिलता है और रत्न मंडप आदि चीज़ों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। और इसके बाद इसमें नीचे ही विरजा का प्राण त्याग करके नदी के रूप में धारण कर लिया, ये सब आपको वर्णन मिलेगा। ये आपको ब्रह्मवैवत पुराण के अध्याय में पढ़ेंगे तब आपको इन चीज़ों का अर्थ समझ में आएगा। अब आगे आएंगे तो आगे आके देखिए कि सात समुद्रों की उत्पत्ति की, सात प्रकार के समुद्र कौन कौन से होते हैं, इसके विषय में ब्रह्मवैवत पुराण में चर्चा की गई है। इसके बाद और आगे चलें अपन दोस्तों, उसके बाद वर्णन मिलता है देव जो पृथ्वी माता का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पृथ्वी माता देवताओं की शरण में गई और जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया, पृथ्वी माता का ये कहना कि किस तरह के लोग मेरी धरती पर, जिनको सहना मेरे लिए संभव नहीं है, उसके विषय में वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने कैसे शिव जी से बात की पृथ्वी के संबंध में, कि कैसे पृथ्वी बड़ी दुखी है और पृथ्वी कैसे दुष्टों से, पूरी पृथ्वी पर कैसे दुष्ट मानव अवतरित हो गए हैं, उनका विनाश करने के लिए कैसे भगवान शिव का और पृथ्वी का परस्पर आपस में वार्तालाप, इस विषय पर इस पर चर्चा की गई है। श्री हरि की स्तुति का वर्णन इसमें मिलता है कि श्री और फिर गोलोक में जाना कि किस तरह से सब देवताओं गोलोक में भेजना, श्री कृष्ण से वार्तालाप करने के विषय में। पांचवें अध्याय में वर्णन मिलता है कि राधा के 16 द्वारों का वर्णन, जो आप जैसे इंडेक्स में देख सकते हैं किस तरह से वर्णन है, राधा के भीतरी मेलवी देवताओं का गमन, राधा मंदिर का निर्माण, ये सब गोलोक की बात चल रही है। इसमें शंकर और धर्मराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के विषय में वर्णन मिलता है। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने के विषय में वर्णन मिलता है और देवताओं को किस तरह से धरती पर अवतार लेना चाहिए, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। विष्णु और बलराम जी यानी जो बलदेव थे वो भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए, इस तरह का वर्णन इसमें मिलता है। राधा के भी उत्पत्ति का वर्णन इसमें मिलता है कि राधा कैसे गोलोक से निकल के पृथ्वी पर आई, फिर गोलोक गई, इस तरह की चर्चाओं का वर्णन मिलता है, क्योंकि भगवान श्री रामा ने उनको श्राप दिया था, तो ये सब चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद श्री हरि का मथुरा की ओर जाना और मथुरा में उन्हें श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होना। दोस्तों, इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी का वर्णन इसमें मिलता है, जिसको हम अक्सर मनाते हैं, यहाँ पर त्यौहार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो उसका वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। आगे आने वाले इंडेक्स में देखिए, आने वाले इंडेक्सों में आप एक कंस के बारे में वर्णन मिलता है, उसके बाद कृष्ण जो सभी दैत्यों का जिस तरह से वध किया उसके बारे में इनमें बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो दी हुई हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर अच्छे से कि कृष्ण का किस तरह से कृष्ण ने अपनी लीलाओं का वर्णन किया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ पूरा, कि देखिए यमला जैसे आगे पूरा वसुदेव का प्रार्थना से श्री कृष्ण का नामांकरण जो 13वें अध्याय में वर्णन मिलता है, फिर गर्ग का नंद ग्रह में पहुँचना, यशोदा का गोलोक में यशोदा को गोलोक का वेतांत सुनाना, गर्ग ने यशोदा और नंद को गोलोक का पूरा वेतांत सुनाया, इस विषय में यहाँ पे अच्छे से वर्णन मिलता है। क्योंकि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण रखा, जो इसमें वर्णन मिलता है कि गर्ग ने उनका नाम रखा, महर्षि गर्ग ने, तो इस विषय पर यहाँ पर बताया गया है।
और यशोदा और नंद से गौलोक के विषय में बहुत सारी उन्होंने चर्चा की, बहुत सारे गौलोक के विषय में बहुत सारे बातें बताईं, और कृष्ण के बारे में जो मतलब गौलोक में निवास करते हैं उनके विषय में उन्होंने बहुत सारी बातें बताईं। दोस्तों उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि यमलार्जुन के भंजन, नलकुंभर का मोक्ष, वक्ष का आख्यान, फिर आगे देखिए कि भंडारी वन में राधा कृष्ण का विवाह, इस भंडारी वन में राधा कृष्ण का विवाह और नव संगम का प्रस्ताव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथा है। मैं इसके विषय में रहस्यात्मक कथा है, मैं इसके विषय में कभी आपको फिर से कभी बाद में आपको भी इस विषय में बताऊंगा। अब आगे चलते हैं, बात आगे देखिए, पूरे पूरे जितने भी आगे जितने भी वृंदावन का वर्णन, उसके प्रसंगवश कलावती का इतिहास, वृंदावन के नाम की व्युत्पत्ति, कि वृंदावन का वृंदावन नाम क्यों पड़ा, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद राधा के 16 नाम वाले स्त्रोत, जो राधा के जो 16 नाम है उनके जो स्त्रोत के विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है, जो अपन अक्सर पढ़ते हैं। मैंने कई किताबें देखी इसके विषय में, राधा जी के विषय में, तो वहाँ पे इसी पुराण के रेफरेंस से उसको निकाला गया है। आने वाले अध्याय में आपका ब्राह्मण की पत्नियों के मोक्ष का प्रस्ताव, विश्वपत्नियों की पत्नियों का श्री कृष्ण स्त्रोत, उसके बाद कालिया नाग के दर्प दमन, ये सब लगभग लगभग दिखा हुआ है, सबने जाना, सबको मालूम है इसके बारे में। गाय बछड़े का गोप बालक में गोप बालक के प्रसंग में ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, इंद्रिया का खंडन, गोवर्धन धारण, यानी इंद्रा का, इंद्र का गंगा घमंड चूर किया, गोवर्धन धारण किया, फिर धेनुकासुर का वध, तिलोत्मा के बलिपुत्र का दुर्वासा को श्राप, तिलोत्मा जो बलिपुत्र राजा बलि के विषय में बात चल रही है यहाँ पे, धेनुकासुर का जन्म और वृतांत, फिर दुर्वासा का ख्यान, बलिपुत्र का मोक्ष, बलिपुत्र के मोक्ष के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। आगे आने वाले 25वें अध्याय में देख सकते हैं दुर्वासा का और ऋषि के श्राप, इसी प्रसंग में अम्बरीश का आख्यान, अम्बरीश कौन थे इसके विषय में अपन कोई और चर्चा करेंगे, अम्बरीश की कथा, फिर एकादशी व्रत के अनुरूपण, एकादशी यानी ग्यारस के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। अब अपन गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के इस विषय में आपको मालूम है, फिर उसके बाद सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, स्वर मंगला की स्तुति, गौरी व्रत का विधान के आदि के बारे में वर्णन मिलता है इसमें, राधा का किया हुआ पार्वती स्त्रोत, राधा के द्वारा पार्वती की जो स्तुति गई इसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है, श्री कृष्ण द्वारा गोपियों का अभिष्ट वरदान, श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को अभिष्ट वरदान, देखिए यहाँ बहुत अच्छा वर्णन, बहुत अच्छे से वेदव्यास जी ने इसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद रासकीड़ा का आख्यान, क्या है रासकीड़ा, इसके रहस्य का वर्णन भी इसे मिलता है। अष्टावक्र मुनि के मोक्ष का आख्यान, राधा के पूछने पर श्री कृष्ण, अब यहाँ पे शुरू होता है दोस्तों कि राधा और कृष्ण के जो आपस में बातें हुई, बहुत सारी ज्ञान की बातें हुई, उसके विषय में आगे वर्णन मिलता है, किस तरह से उन्हें प्रश्न किए राधा ने कृष्ण से और कृष्ण ने उसके विषय में जवाब दिए। अब राधा के कृष्ण के पूछने पर अष्टावक्र का इतिहास, तो दोस्तों अष्टावक्र का यहाँ इतिहास मिलता है। राधा के पुनः प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के श्राप का कारण बताया, और प्रसंग पर राजा सुचंद्र का वृतांत कहा, वैरासुर मोहनी और अवस्था का वर्णन, मोहनी का व्रत एवं उसके तथा कामदेव की स्थिति। इसके बाद नीचे 32वें अध्याय में देखिए आप, ब्रह्मा और मोहनी का संवाद, मोहनी के ब्रह्म के श्राप, ब्रह्मा को श्राप, ब्रह्मा का दर्पण, गंगोत्पत्ति का वर्णन, राधा कृष्ण और के संवाद रूप में ब्रह्मा और भारती उपख्यान, शंकर दर्प विमोचन तथा राधा और उसकी प्रशंसा, शंकर के निर्माल को श्राप, शंकर की भगवान शंकर की बात चल रही है, सती के गर्भ का अपकरण, पार्वती के हिमालय से जन्म, पार्वती यहाँ शिव पार्वती की पूरी बातों, शिव पार्वती के प्रसंग पूरा यहाँ पे आ जाता है, जो अपन को इस ब्रह्मवेद पुराण में मिलता है। शिव के सौंदर्य का वर्णन, शिव के समीप पार्वती के जाना, शिव का क्रोधाग्नि से कामदेव को दहन करना, पार्वती के गर्भ का अपहरण, यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रसंग आता है, जो कामदेव को भस्म कर देते शिव जी ने, उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। पार्वती की तपस्या, शंकर, पूरे पार्वती के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है, बहुत अच्छे से वर्णन यहाँ पे किया हुआ है शिव जी के विषय में और पार्वती के विषय में। बाद ये अनन्य की कन्या पद्मा का पातिव्रत आदि के वेतांत कहने से पश्चात पार्वती के पूर्व जन्म यानी सती का जन्म, उसके विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है, और उसके शरीर का त्याग करना, किस तरह से दक्ष यज्ञ में उनका शरीर दहन हुआ, उसके भगवान शिव ने कैसे वीरभद्र के द्वारा दक्ष विध्वंस किया, इस विषय पर यहाँ पे वर्णन मिलता है, और सती के पूरे कथा का वर्णन यहाँ थोड़ा थोड़ा मिलता है। देखिए 43 अध्याय में यहाँ पे वर्णन मिलता है सती के, शिव का शोकोद्वार, नारायण उपदेश, शिव की प्रकृति की स्तुति, शिव ने प्रकृति की स्तुति की और इससे शिव के शोक दूर हुआ, बहुत अच्छे से ब्रह्मवेद पुराण में वर्णन मिलता है कि शिव की प्रकृति द्वारा स्तुति, इससे शिव का शोक दूर हुआ।
तो और उसके बाद 44वें अध्याय में अरुंधति और वशिष्ठ का उद्बोधन, प्रसन्नचित हिमालय और शिव की स्तुति के साथ विधि पूर्वक कन्या का प्रदान करना। 45 और 46वें अध्याय में भगवान शिव के विवाह के विषय में यहाँ अच्छे से बताया गया है, और कामदेव को किस तरह से भगवान शिव ने पुनर्जीवित किया उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद 47, 48, 49, 50 और 51, इसमें पूरे इंद्र के गर्भ का अपहरण, सूर्य के दर्प का अपहरण, अग्नि के दर्प का अपहरण, दुर्वासा के दर्प का अपहरण, धन्वंतरी के गर्भनाश, पसंग का मनसा, धन्वंतरी यानी जो आयुर्वेद के जनक हैं धन्वंतरी, उनके विषय में यहाँ बात चल रही है, जो अमृत कलश लेके निकले थे, तो यहाँ उनके गर्भनाश उनका वर्णन मिलता है। इसके बाद 42वें अध्याय में राधा और माधव का रास वर्णन का प्रसंग, राधा कृष्ण के इस नाम से श्री कृष्ण नाम के पूर्व राधा का नाम का उच्चारण करने का कारण मिलता है। दोस्तों ये कथा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है, इसके विषय में भी बहुत विस्तार से बताने का की आवश्यकता है। इसके विषय में मैं कभी और आपको ज़रूर बताऊंगा। और इसके बाद वर्णन मिलता है गोपियों के साथ राधा कृष्ण का भांडेर आदि वनों में गमन तथा किए हुए विहारों का वर्णन। उसके बाद श्री कृष्ण के मथुरा गमन से लेकर के गोलोक गमन तक की चरित्र का संक्षेप वर्णन। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोलोक की यात्रा कैसे कैसे की उन्होंने, कैसे क्या हुआ, इसकी संक्षिप्त वर्णन यहाँ मिलता है। और इसके बाद यह उसका कृष्ण जन्मखंड का पूर्वार्ध यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों इसके बाद इसके उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण के विषय में और भी बहुत सारी बातें हैं, पर आज हम यहाँ उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम आपको अगले अध्याय में फिर से पूर्व जो भगवान कृष्ण जन्म अगले अध्याय में श्री कृष्ण जन्मखंड के उत्तरार्ध के विषय में बताएंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो मैं उसी पर बनाऊंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ ही आप ये मत सोचिए कि मैंने जितने भी इंडेक्स आपको बताए हैं कि इनकी कथाओं के विषय में मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं हैं, मैं संक्षेप संक्षेप में आपको बता दूंगा। कोई कथा और पुराण बहुत बड़ा है, उसको एक छोटे से वीडियो में बनाना संभव नहीं है, तो मैं धीरे धीरे आपको हर कथा के विषय में बताऊँगा जो आपको बताने लायक है, जो आपको समझने लायक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में वापस आता हूँ कृष्ण जन्मखंड के उत्तरार्ध भाग में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।